इस बुलेटिन के प्रायोजक है संकट मोचन इंटर कॉलेज करिया बजना सुल्तानपुर जयसिंहपुर तहसील का नंबर वन इंग्लिश मीडियम स्कूल। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सैमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल सुल्तानपुर का नंबर वन इंग्लिश मीडियम स्कूल। सुल्तानपुर जिले में पर्यावरण और गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए DMC इंदुमती ने अनोखी पहल की है। 14 अगस्त को गोमती के किनारे 137 किलोमीटर पर बसे 110 गांवों में सीड बम लगाए जाएंगे। 10 लाख सीड बम लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सुल्तानपुर जिले में DMC इंदुमती ने शिक्षा संकल्प ऐप कलेक्ट्रेट में लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए टीचर्स और स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, प्रार्थना सभा, साफ सफाई की व्यवस्था, PT और योगा आदि की एक ही स्थान से समीक्षा की जा सकेगी। सुल्तानपुर जिले के निदुरा गांव निवासी दिलीप यादव की दुकान पर अचानक सिलेंडर में आग लग गई। इस हादसे में दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। घंटों बाद ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सुल्तानपुर जिले के लंबुआ थाने की पुलिस ने 15 दिन बीत जाने के बाद भी शिवदयाल शुक्ला के यहाँ हुई लाखों रुपए की चोरी का खुलासा नहीं किया। पुलिस की लापरवाही के चलते पीड़ित दर दर भटकने को मजबूर है। सुल्तानपुर जिले में ब्रह्म मुहूर्त में योगी मौनी महाराज ने भगवान शिव की कठोर तपस्या के लिए सीताकुंड घाट पर बने प्राचीन शिव मंदिर परिसर में भू समाधि ली। बता दें कि मौनी महाराज बीते 17 जुलाई से शुरू हुए सावन मास से कर रहे महानुष्ठान। सुल्तानपुर जिले में हलियापुर थाने की पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करते हुए लाखों रुपए के जेवरात बरामद किए हैं। मामला हलियापुर थाना क्षेत्र के जुगराजगढ़ का है, जहां राम मिलन चौहान ने बीते दिनों अपने घर में हुई चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस के मुताबिक पीड़ित की बहू ने ही अपने घर में पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सुल्तानपुर जिले में 3 दिन की छुट्टी के बाद खुले स्कूल और कॉलेजों में आज एंटी रोमियो टीम ने ऑपरेशन मजनू अभियान चलाया। महिला थाना अध्यक्ष मंजू देवी आज कई महिला कांस्टेबल के साथ सुबह सुबह स्कूल कॉलेजों के गेट पर पहुंची, जहां उन्होंने स्कूली बच्चों से बात करके उनको सुरक्षा के टिप्स दिए। सुल्तानपुर जिले के कूरेभार थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों के बीच काफी देर तक मारपीट हुई। इसकी वजह से रास्ते में लंबा जाम लग गया। फिलहाल पुलिस दोनों को थाने लाकर कार्रवाई करने में जुटी है। सुल्तानपुर जिले के धनौपुर निवासी आकाश शुक्ला बीते दिनों स्कूल जाने के लिए घर से निकला, लेकिन वह बचपन की नादानी के चलते स्कूल न जाकर ट्रेन से दिल्ली चला गया। करीब हफ्ते बर्बाद आखिरकार आकाश को परिजनों ने एक आश्रम से ढूंढ निकाला। अमेठी जिले के शादीपुर गांव में सरकारी खड़ंजे पर कब्जा कर दबंग जानवर बांध रहे हैं। ग्रामीण रविन्द्र पांडे ने अधिकारियों से इसकी शिकायत भी की, लेकिन किसी ने अब तक कोई कार्रवाई करने की जहमत नहीं उठाई। अमेठी जिले के जगदीशपुर क्षेत्र के किरडही गांव में ANM द्वारा गर्भवती महिलाओं से जच्चा बच्चा रक्षा कार्ड बनवाने के नाम पर खुलेआम घूस लेने के मामले को NTTV भारत ने प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर CMO डॉक्टर RM श्रीवास्तव ने संज्ञान लेते हुए अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम प्यारे को जांच सौंपी है। उनका कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। अमेठी जिले के DM प्रशांत शर्मा की अध्यक्षता में पिछले वर्ष की बैठक हुई, जिसमें जन कल्याण शिक्षा समिति द्वारा 90 अभ्यर्थियों को चयनित कर रोजगार परक CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। पैच अमेठी जिले में जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के फैजाबाद रोड पर अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे एक व्यक्ति की ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। अयोध्या जिले में ईद उल अजहा के मौके पर बाबरी मस्जिद के मुख्य पैरोकार इकबाल अंसारी ने अमन शांति और भाईचारे का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अयोध्या सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर उन्नति के मार्ग पर चले। बाराबंकी जिले की राजस्व ग्राम सभा दरवेशपुर पर दबंग भू माफिया अनिल कुमार सिंह और उसके बेटे विश्व प्रताप सिंह ने अपने साथियों संग पत्रकार को मारने की धमकी दी। पीड़ित विजय सिंह ने पुलिस की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। कौशाम्बी जिले में बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने सभासद इरशाद अहमद पर हुए हमले के बाद उनके परिजनों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।